ऑनलाइन कक्षाओं में सभी विद्यार्थियों का, सभी शिक्षक मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की यह आखिरी ऑनलाइन कक्षा है। ये जो समय समय है है उस संकट संकट का का समय, समय, लॉकडाउन का लॉकडाउन का समय, समय, जहाँ जहाँ सारी सारी गतिविधियां गतिविधियां थम थम सी सी गई गई, हैं, हलचल चल बहुत बहुत कम कम दिखाई दिखाई देती, देती, यहाँ यहाँ तक कि तक कि हमारे विद्यालय विद्यालय भी भी बहनों बहनों से से बंद। बंद। परंतु परंतु फिर फिर भी भी शिक्षा शिक्षा का का प्रवाह प्रवाह हमारे हमारे जीवन जीवन में में आज आज भी भी निरंतर निरंतर है, है। और इसका इसका श्रेय श्रेय जाता जाता है है स्कूल शिक्षा शिक्षा विभाग विभाग छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ शासन शासन की उस उस महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण योजना योजना को, को जिसे से हम आप आप सभी सभी पढ़ाई पढ़ाई घर द्वार द्वार के नाम नाम से से जानते जानते हैं, हैं। जिसके इसी कारण कारण आज आज यह यह संभव संभव हो हो पाया पाया है है कि कि हमारे हमारे शिक्षक शिक्षक और हमारे हमारे विद्यार्थी विद्यार्थी के बीच बीच में में कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी है, हम आपस में आपस में बात कर बात पा कर रहे पा रहे हैं, हैं, हम हम अपनी चीजों को चीजों को साझा कर साझा कर पा रहे रहे हैं। हैं। आज की यह आज की आखिरी यह कक्षा कक्षा राजनीति राजनीति विज्ञान विज्ञान की की है, है, कक्षा कक्षा 12वीं की बारहवीं कक्षा कक्षा है, और और इसके इसके लिए लिए मेरे मेरे साथ साथ उपस्थित उपस्थित हैं हैं डॉक्टर डॉक्टर सीमा सीमा श्रीवास्तव। श्रीवास्तव। आप आप प्राचार्य प्राचार्य हैं हैं शासकीय शासकीय उच्चतर उच्चतर माध्यमिक माध्यमिक विद्यालय विद्यालय सारागांव सारागांव में। में। मैम आपका आपका स्वागत स्वागत है, है। धन्यवाद सर। और मेरी अपनी एक जिज्ञासा ये है कि पॉलिटिकल साइंस का आपका ये पहला विषय है, आपने आपने बच्चों बच्चों के के लिए लिए जो जो टॉपिक टॉपिक चुना चुना है है वो वो है है शीत शीत युद्ध युद्ध का का दौर। दौर। जी तो कुछ निश्चित तौर तौर पर मैं पे मैं कल्पना कल्पना कर कर पाता पाता हूँ हूँ कि इस टॉपिक टॉपिक में में कुछ कुछ विशेष विशेष बात बात रही रही होगी, होगी, है है ना। ना। आपने इसका इसका चुनाव चुनाव किया किया है, है, आप आप यहाँ यहाँ से से अपनी अपनी कक्षाएं कक्षाएं प्रारंभ प्रारंभ करना करना चाह चाह रही रही हैं, हैं, ऐसा ऐसा क्या क्या है। है। सर, राजनीति राजनीति विज्ञान विज्ञान कक्षा कक्षा 12वीं बारहवीं का का जो जो सिलेबस सिलेबस है है उसका उसका दो दो खंड खंड है। है, खंड खंड आ, आ, खंड खंड आ आ में में समकालीन समकालीन विश्व विश्व राजनीति राजनीति है, है, और और उसी उसी का का जो जो पहला पहला अध्याय अध्याय है है वो वो शीत शीत युद्ध युद्ध का का दौर दौर है। है। मैं अच्छा ये चाह रही थी कि बच्चे अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो शुरू से शुरू कर, इसी जी बीच के टॉपिक को ना उठाकर क्रमशः बच्चों को पुस्तकीय आधार पर जो पाठ्यक्रम दिया गया है जी उसके अनुसार समझाने के लिए मैंने अध्याय एक का पहला जो टॉपिक है शीत युद्ध का दौर उसी के कुछ बिंदुओं को उठाया है जिस पर आज अपन चर्चा करेंगे। लेने का कारण सिर्फ यही था कि बच्चे क्रमबद्ध रूप से अपनी पढ़ाई को करें और चलिए एक से लेकर 100 तक के जाएं, इसलिए अपन बहुत अच्छी क्रमशः बात चल है, रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं सोच सोच रहा रहा था था कि कि शायद शायद कुछ कुछ इस इस टॉपिक टॉपिक में में कुछ कुछ ऐसा ऐसा कुछ कुछ दिलचस्प दिलचस्प होगा होगा जो जो आकर्षित आकर्षित करे, बिल्कुल है टॉपिक ही ना। दिलचस्प है अभी ये, जी अगर जी अभी अंतरराष्ट्रीय राजनीति अभी पर रुचि रखते लॉकडाउन का हो। दौर है और जी यहाँ से युद्ध के दौर की बात चल रही है। जी तो ठीक है मैम, धन्यवाद आपका मैं स्वागत करता हूँ एससीआरटी सर। रायपुर की ओर से, और आगे का जो दायित्व है जो जो कि कि काफी आपको महत्वपूर्ण मुझे है सौंपना वो आपको सौंपता हूँ। कृपया है, इस इस ऑनलाइन ऑनलाइन कक्षा कक्षा संचालित संचालित करें। इस इस दायित्व दायित्व को को उठाने उठाने का का मैं मैं पूरा पूरा प्रयास प्रयास करूंगी, करूंगी, और और मैं मैं कोशिश कोशिश रहेगी रहेगी हेलो हेलो बच्चों बच्चों आप आप तक तक पहुंचने पहुंचने की, की, कि कि आप आप आज आज के के इस इस पाठ पाठ को को अच्छी अच्छी तरह तरह से से पढ़ पढ़ सकें सकें और और समझ समझ सकें। सकें। टॉपिक टॉपिक पे पे चल चल रहा रहा है। बच्चों, बच्चों आप आप जानते जानते हैं हैं कि कि राजनीति राजनीति विज्ञान विज्ञान एक एक ऐसा ऐसा विषय विषय है है जिसमें जिसमें हम हम राजनीतिक राजनीतिक विज्ञान विज्ञान के के सिद्धांतों सिद्धांतों पर पर चर्चा चर्चा करते करते हैं, हैं, सैद्धांतिक सैद्धांतिक ज्ञान ज्ञान को को प्राप्त प्राप्त करते करते हैं, हैं, और और इसको इसको प्राप्त प्राप्त करने करने के के लिए लिए हमें हमें बहुत बहुत जरूरी जरूरी है है कि कि इस इस विषय विषय में में हमारी हमारी रुचि रुचि हो। हो। हम हम इस इस बात बात पर पर ध्यान ध्यान दें दें कि कि राज्य राज्य क्या क्या है, है, राज्य राज्य क्यों क्यों है, है, राज्य राज्य कैसे कैसे चल चल रहा रहा है, है, सरकार सरकार कैसे कैसे बन बन रही रही है, है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था व्यवस्था क्या क्या होती होती है, है, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय राजनीति राजनीति क्या क्या होती होती है, है, दूसरे दूसरे देशों देशों के के संबंध संबंध की की विदेश विदेश नीति नीति कैसे कैसे होती होती है। है। अगर अगर हम हम इन इन सब सब बातों बातों में में रुचि रुचि रखते रखते हैं हैं तो तो निश्चित निश्चित रूप रूप से से हमें हमें यह यह विषय विषय बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगेगा लगेगा और और राजनीति राजनीति विज्ञान विज्ञान जैसे जैसे विषय विषय पर पर हमारी हमारी पकड़ पकड़ होगी। होगी। कक्षा कक्षा 12वीं बारहवीं के के बच्चों बच्चों का का स्वागत स्वागत करते करते हुए हुए आज आज अपन अपन अपनी अपनी बात बात को को शुरू शुरू करेंगे करेंगे अध्याय अध्याय एक एक शीत शीत युद्ध युद्ध का का दौर दौर और और समकालीन समकालीन विश्व विश्व राजनीति राजनीति के के अंतर्गत अंतर्गत ये ये पाठ पाठ है। है। आइए आइए अपन अपन इस इस पाठ पाठ को को शुरू शुरू करते करते हैं हैं और और सबसे सबसे पहले पहले अपन अपन इसे इसे सबसे पहले हम पहले बात हम को बात को समझना समझना चाहेंगे चाहेंगे बच्चों बच्चों की की
शीत युद्ध की समाप्ति जो हुई, शीत युद्ध जब समाप्त हुआ उसी समय से समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत मानी जाती है। देखिए दो बातें बच्चों, इस बात को थोड़े से कठिन शब्द भी हो सकते हैं, इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छे से धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। पहली बात हम ये कर रहे हैं कि शीत युद्ध, जिसके बारे में अभी हम विस्तृत चर्चा करेंगे, कि शीत युद्ध की जब समाप्ति हुई थी उसके पश्चात से समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत सामान्यतः मानी जाती है। हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ सके कि समकालीन विश्व राजनीति क्या है, शीत युद्ध क्या है, इन बातों को अच्छे से हमें दो तीन बिंदुओं पर चर्चा करनी पड़ेगी। वो चर्चा है, सबसे पहले चर्चा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात है शीत युद्ध के दायरे, इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों उनको आप नोट करना है। द्वितीय विश्व का उदय हुआ, उसके पश्चात शीत युद्ध के दायरे, उसके पश्चात द्वितीय ध्रुवीयता को चुनौती देने वाली कौन सी ऐसी विदेश नीति आई, और वो विदेश नीति थी भारत की जिसका नाम है गुटनिरपेक्षता। इसके पश्चात गुटनिरपेक्ष नीति के अंतर्गत ही एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात आती है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पश्चात एक बात और इस अध्याय में हमको भली भांति समझना है, वो है नवीन अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। अगर हम इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और हम इसकी गहराई में जाएंगे तो हम बहुत सारी अच्छी अच्छी ऐसी चीजों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे जिसमें आपको बहुत रुचि भी लगेगी कि विश्व पटल पर जब गुट निरपेक्षता की नीति भारत ने चयनित की तो उसको अपनाते हुए, तटस्थ रहते हुए भारत ने किस तरह से इस नीति के माध्यम से अपने राष्ट्र हित में कार्य किया और लाभ उठाया। सबसे पहले बच्चों हम चर्चा करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ध्रुवीय विश्व का उदय। बच्चे जानते हैं कि 1939 से लेकर 1939 से लेकर 1945 तक 6 वर्ष लगभग द्वितीय विश्व युद्ध चला है, और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके साथ साथ विश्व में दो महत्वपूर्ण शक्तियों का भी उदय हुआ। ये एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय घटना कही जा सकती है जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। दो गुट पूरे विश्व में अपना वर्चस्व बनाया, और जब उन्होंने अपना वर्चस्व बनाने का प्रयास किया तो इन्हीं दो महत्वपूर्ण गुटों के बीच में, इन्हीं दो महत्वपूर्ण खेमों के बीच में शीत युद्ध का भी धीरे धीरे से उदय होना शुरू हो गया। हम शीत युद्ध को पढ़े उसके पहले एक छोटी सी बात और ये जान लें, कई बच्चों के मन में आ भी रहा होगा ये, अगर सामने टीचर होगा तो पूछते भी मैडम द्विध्रुवीय व्यवस्था क्या है। ये कठिन शब्द है इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लें, द्विध्रुवीय व्यवस्था। अगर आप इसको शाब्दिक रूप में बच्चे समझना चाहें तो आप देखें कि इसमें दो शब्द आए, द्वि द्वि मतलब दो, ध्रुवी यानी द्विध्रुवीय व्यवस्था का मतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतरराष्ट्रीय शक्ति संरचना जो वो दो बड़े बड़े गुटों में बट गई। इसलिए बटी बच्चों क्योंकि युद्ध के पश्चात जो उस समय के तत्कालीन बड़े राष्ट्र थे जिनको हम बहुत बड़े शक्तिशाली राष्ट्र मानते थे, और जो युद्धों के बहुत बड़े निर्णायक राष्ट्र भी थे जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन और पुर्तगाल, ये जो बड़े देश थे ये देश विश्व युद्धों के कारण अपनी बहुत सारी शक्ति को नष्ट कर चुके थे और इनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई थी। एक प्रकार से कहा जाए कि यूरोप का जो ये क्षेत्र था इस क्षेत्र में शक्ति शून्यता, शक्ति शून्यता मतलब किसी बड़े राष्ट्र का, किसी सुपर पावर का बड़ा वर्चस्व ना होना, जगह का रिक्त हो जाना, ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। और इस स्थिति में, शक्ति शून्यता की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह स्थिति निर्मित की कि जो दूसरे दो बड़े गुट थे, जो बड़े गुट थे उसमें अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ, ये दोनों गुटों ने अलग अलग रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रभाव का विस्तार करना शुरू कर दिया। क्यों? अब
जानते हैं बच्चों, जब हम राजनीति पढ़ते हैं कि कोई भी देश अपने प्रभाव को, अपनी शक्तियों को क्यों बढ़ाता है, ताकि वो विश्व में अपना वर्चस्व कायम कर सके। और इसी दृष्टि से ये दोनों गुटों ने भी अपना अपना प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना शुरू किया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि यूरोप, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप दो भागों में विभाजित हो गया। अमेरिका व सोवियत संघ इसके नेतृत्वकारी देश बन गए। और जब ये दोनों देशों में शक्ति प्रदर्शन की बात आई, तो दोनों देशों ने, दोनों गुटों ने शक्ति प्रदर्शन के लिए बहुत सारे गठबंधन, गठबंधन के साथ साथ उसका प्रति उत्तर देने के लिए प्रति गठबंधनों का विस्तार करने लगे। इससे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दुई ध्रुवीयता की शुरुआत हुई। और दोनों देशों के बीच ये जो अपना वर्चस्व स्थापित करने की, अपना शक्ति प्रदर्शन करने की जो बात चल रही थी, उसके कारण जो प्रतिद्वंदिता उत्पन्न हुई, उसी के कारण शीत युद्ध का जन्म हुआ। और इस तरह विश्व दो अंतरराष्ट्रीय स्तर के बड़ी बड़ी महाशक्तियों के बीच में दो गुटों के रूप में, दो ध्रुव के रूप में, दो खेमों के रूप में बढ़ गया। तो बच्चों, आप ये समझ पाए होंगे अभी तक कि समकालीन विश्व राजनीति में हमने सबसे पहले चर्चा की कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्विध्रुवीय विश्व का उदय और द्विध्रुवीय व्यवस्था का क्या अर्थ है और इसका स्वरूप कैसा है। अब हम ये पढ़ना चाहेंगे बच्चों, छोटी सी बात इसी के अंतर्गत आती है कि द्विध्रुवीयता जो उत्पन्न हुई, इसके कारण क्या थे। पांच कारण है और पांचों कारण के आप चाहें तो उसकी देखो, पॉइंट नोट करते चलें और उसकी हेडिंग आप रखेंगे कि द्विध्रुवीयता का उदय का क्या कारण है। सबसे पहली बात तो बच्चों, जैसा कि अभी हम पढ़ रहे थे कि दो महाशक्तियों का उदय, दो महाशक्ति जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उदित हुई, तो एक पश्चिमी गुट का और एक साम्यवादी गुट का समर्थन कर रही थी। बच्चों, यहाँ पर ये भी ध्यान देने की और याद रखने की बात है कि ये जो दोनों शक्तियां हैं, ये दोनों जो खेमे हैं, ये दोनों गुट हैं, ये एक विचारधारा को लेकर साथ में चले। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी अपनी एक विचारधारा थी और उस विचारधारा के कारण भी गुट इस तरह से बने। और उन विचारधाराओं के प्रतिनिधित्व जिन जिन देशों को वो विचारधाराएं अच्छी लगती रही, वो उन गुटों में जुड़ते गए। एक विचारधारा पूंजीवाद की है जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, और दूसरी विचारधारा साम्यवाद की है जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा है। तो पहला तो कारण ये हुआ कि दो महाशक्तियों का उदय हुआ था, और दूसरा कारण था अमेरिका अलगाववाद की समाप्ति। अमेरिका अलगाववाद की समाप्ति, बच्चों थोड़ा सा इसके अंदर आप ध्यान देंगे कि जानने लायक बात इसके अंतर्गत ये है कि अमेरिका जो देश बना था, पहले उनका एक नारा था कि जो अमेरिका है वो अमेरिकनों के लिए। इसका अर्थ ये था कि अमेरिका जो राष्ट्र है वो अमेरिकी लोगों को ही प्राथमिकता देगा। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थितियां बदली। युद्ध के पश्चात इंग्लैंड, यूरोप और जितने भी यूरोपीय देश थे, वो सब अपनी पहले जैसी भूमिका का निर्वाह नहीं कर पा रहे थे। तो अमेरिका ने भी इस बात को समझ लिया समय रहते कि यदि वो इस नीति का त्याग नहीं करेगा, तो उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्चस्व बनाने में मुसीबतें आएंगी। इसलिए उसने इस बात को कि अमेरिका अमेरिकनों के लिए है, उसने इस बात को समाप्त किया और अमेरिका के द्वार सब लोगों के लिए खोले। तीसरा इसका कारण है राजनीतिक एवं आर्थिक खेमे प्रतिस्पर्धा की भावना। बच्चों, आप देख रहे होंगे कि हम पढ़ रहे हैं द्विध्रुवीयता के उदय के कारण, और इसका तीसरा कारण है राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की भावना का उदय। साम्यवादी जो सोवियत संघ था और जो अमेरिका था जिसकी विचारधारा पूंजीवाद की थी, इन दोनों के बीच में एक प्रतिस्पर्धता, एक प्रतिद्वंदिता, इस तरह की एक भावना विद्यमान थी कि वो दोनों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये चाहते थे कि हमारा वर्चस्व ज्यादा बड़ा हो, ज्यादा विस्तार हो। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण द्विध्रुवीयता का उदय हुआ। चौथा कारण था परमाणु हथियारों की अंधी दौड़। बच्चों, तो आप जानते हैं, जो बच्चे राजनीति पढ़ते हैं, इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ये बात बहुत अच्छे से मालूम रहती है कि
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यदि सबसे ज्यादा कोई देश अपना वर्चस्व बना सकता है, महत्ता सिद्ध कर सकता है, तो अपने सैनिक खेमे के माध्यम से। परमाणु हथियारों की अंधी दौड़ का मतलब है कि सोवियत संघ ने परमाणु शक्ति बना ली, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के पास भी इसमें वर्चस्व था। दोनों गुटों ने अपनी अपनी परमाणु हथियार संबंधी जो शक्तियां थी, जो जखीरे थे, जो भंडार थे, उनको बढ़ाना शुरू कर दिया। और जब उनको बढ़ाना शुरू किया तो उसके कारण दोनों देशों ने कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ी, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा कि जिसके माध्यम से वो आणविक अस्त्र शस्त्रों को बढ़ा, अपने अपने देश में, अपने अपने जखीरे में बढ़ाना। एक बहुत बड़ा कारण ये था, इसी के कारण द्विध्रुवीयता का उदय हुआ, कि दोनों खेमों ने अपनी अपनी परमाणु हथियारों की अंधी दौड़ को शुरू किया। और अब वर्तमान स्थिति की यदि बच्चों हम बात करते हैं, तो आप देखें आज के समय में जिस समय बैठकर आप इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि शीत युद्ध की ये परिस्थितियां बदल गई। कैसे बदली? हमने देखा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सोवियत संघ का लगभग 1990-91 में पूरी तरह से विखंडन हो गया, उसके गणराज्य अलग अलग हो गए और वो विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में बट गया। तो शक्ति का विखंडन हो गया। शक्ति का विखंडन होने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ का जो एक सुपर पावर के रूप में वर्चस्व था, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। और उसके कारण केवल एक देश, केवल एक ऐसा सुपर पावर, महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका, सोवियत संघ के हटने के बाद अमेरिका का पूरा वर्चस्व स्थापित हो गया और उसने अपने को एक क्षत्रिय राज्य में ये सिद्ध कर दिया कि वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में अमेरिका एक महाशक्तिशाली राज्य। मगर बच्चों, आज की स्थिति में हम यदि बिल्कुल पुस्तकों में ये बात भले ही ना हो, लेकिन आप और हम इस बात को अच्छे से जान रहे हैं कि आज की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो ये वर्चस्व है अमेरिका का, ये आगे रहेगा कि नहीं, यहाँ पर भी एक प्रश्न चिन्ह आके खड़ा हो रहा है। जो आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व कोरोना वायरस की एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है और इसके चलते जो लॉकडाउन हुआ है, जो घटनाएं घटित हो रही है विश्व में, उसके कारण हो सकता है आने वाले 6 महीने में, आने वाले साल भर में, 2 साल में अर्थव्यवस्थाओं की स्थितियां बदल जाएं और कौन सा देश वर्चस्व की स्थिति में आ जाए, ये अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। फिर भी ये तो कहा जा सकता है कि भारत, जापान, चीन, जर्मनी जैसे जो देश हैं, ये इनका प्रभाव विश्व में तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में विश्व राजनीति में ये अपना एक महत्वपूर्ण स्थान स्थापित कर सकेंगे। बच्चों, एक बात इसमें और थी कि कोई भी देश जो विश्व में अपना वर्चस्व बनाता है, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिसके आधार पर ये तय कर पाते हैं कि वो अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएगा कि नहीं। और वो शक्तियां होती हैं आर्थिक, सैनिक, व्यापारिक और तकनीकी शक्तियां। हम भारत के देश के अंतर्गत के नागरिक हैं और हम, ये अच्छी बात हमें लगती है कि ये चारों जो शक्तियां हैं, चाहे आर्थिक हो, चाहे सैनिक हो, व्यापारिक हो या तकनीकी हो, हमारा देश इन सब शक्तियों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो बच्चों, ये था द्विध्रुवीयता के उदय का कारण और वर्तमान स्थिति, जिसको हमने आज तक कोरोना वायरस तक से जो स्थितियां उत्पन्न हुई है वहां तक लाकर इस बात को समझने का प्रयास किया है। अब हम पढ़ेंगे शीत युद्ध क्या है। बच्चों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अंतरराष्ट्रीय राजनीति की एक बहुत बड़ी घटना के रूप में ये महत्वपूर्ण बिंदु बनता है कि शीत युद्ध को हम जाने कि शीत युद्ध क्या है। दो तो महाशक्ति देश, आइए फिर चलते हैं हम पीछे की ओर, यानी 1945 पर हम पहुंचते हैं जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ था। तब की स्थितियों में जाकर, तब के परिप्रेक्ष्य में जाकर हम ये अच्छे से समझ पाएंगे कि शीत युद्ध क्या है। जब महाशक्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपना वर्चस्व बढ़ाने में लगी हुई थी और उसी समय दोनों ने अपना विस्तार करते करते दोनों के बीच में जो कटुता बढ़ी, जो प्रतिद्वंदिता बढ़ी, जो बिना हथियारों की लड़ाई शुरू हुई, बच्चों वही शीत युद्ध। शीत युद्ध मतलब एक ऐसा युद्ध जो युद्ध क्षेत्र में नहीं खेला जा नहीं लड़ा जाता, जिसमें गोले बारूद का प्रयोग नहीं किया जाता,
बल्कि उसकी जगह वैचारिक टकराव होता है, उसकी जगह सैन्य प्रतिस्पर्धा होती है, उस लड़ाई की जगह कूटनीतिक प्रयोग होते हैं, दुष्प्रचार होते हैं और एक एक दूसरे की आलोचना करना, एक दूसरे गुट की को क्षति पहुंचाना, हानि पहुंचाना, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने का प्रयास इस युद्ध में किया जाता है। जो शीत युद्ध होता है वो युद्ध के माध्यम से अपने विस्तार को इस तरह से भी बढ़ाना चाहता है कि दोनों खेमे, दोनों फुट ये चाहते हैं कि विश्व राजनीति के जो दूसरे देश हैं या जो नवोदित देश है वो देश उसके अंतर्गत शामिल हो और उनके मित्र राष्ट्रों की संख्या बढ़े। बच्चों, जैसा कि अभी हमने आपसे कहा कि शीत युद्ध को आप ऐसा समझिए कि ये युद्ध गोले बारूद की जगह अखबारों, आरोपों, प्रत्यारोपों, आलोचनाओं के माध्यम से लड़ा जाने वाला युद्ध है। इस युद्ध का जो युद्ध क्षेत्र होता है वो मानव मस्तिष्क रहता है। वास्तव में शीत युद्ध कोई युद्ध ना होकर युद्ध जैसी स्थितियों को बनाए रखने वाली बात है। ये वो बात है जिसमें आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा कि दो युद्ध है या देश है उनके बीच में युद्ध चल रहा है, मगर जो वातावरण रहेगा वो इतना भय और आतंक से भरा हुआ रहेगा कि ऐसा लगता रहेगा कि ना जाने कब युद्ध छिड़ जाए। तो युद्ध जैसी परिस्थितियों को बनाए रखना ही शीत युद्ध है। एक अर्थ में ये भी कहा गया है कि शीत युद्ध शस्त्र सज्जित शांति है। शीत युद्ध क्या है? शस्त्र सज्जित शांति है, ऐसी शांति है, ऐसा वातावरण है और आगे कि जिसमें और आगे बच्चों देख रहे होंगे, शायद आपके दिख रहा होगा शीत युद्ध के दौर का एक चित्र लिया था जिसमें सोवियत संघ का नेतृत्व दिखाई दे रहा है, आपको फ्लैग दिखाई दे रहा है और एक तरफ अमेरिका का है, तो पूंजीवाद। तो शीत युद्ध को बच्चों आपने अभी समझा होगा, आइए हम शीत युद्ध की एक बार छोटी छोटी परिभाषाएं भी देख लेते हैं और उससे आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि जो शीत युद्ध है वो कितना खतरनाक होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शीत युद्ध की परिभाषा दी थी कि शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है, यह दो विचारधाराओं का संघर्ष ना होकर दो सीमाकारों का आपसी संघर्ष, सीमाकारों यानी देशों की सीमाओं को बढ़ाने का ये संघर्ष है। ये ऐसा युद्ध है जिसमें शक्ति संतुलन की जो अवधारणा होती है, शक्ति संतुलन एक राजनीति विज्ञान का ही एक पाठ है और आगे चलकर आप इस पाठ को पढ़ेंगे, अभी केवल इतना समझ लीजिए कि शक्ति संतुलन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें विश्व ये चाहता है कि सभी राष्ट्रों का जो संतुलन है वो उसके अस्तित्व, उसके राष्ट्र निर्माण के चारों तत्वों के अनुकूल रहे। तो इस प्रयास में कि शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों देश, दोनों गुट अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। एक परिभाषा और दी है जॉर्ज पेकल के अनुसार। पेकल ने कहा कि दो राज्यों के मध्य गहरी प्रतियोगी चालों एवं प्रतिचालों को शीत युद्ध कहा। तो देखो कितनी छोटी एक लाइन है परिभाषा को, लेकिन अगर आप इसे गहराई से देखें और इसे समझना चाहें तो इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है। दो राज्यों से यहाँ पर आप अर्थ लेंगे वो गुटों का जो दो खेमे बन गए। ये दो सुपर पावर राष्ट्र हैं, इनके मध्य जो चालें चली जाती है, राजनीतिक चालें, प्रतियोगी चालें, प्रतिस्पर्धा की, प्रतिद्वंदिता की चालें, और फिर उस चाल के बाद यानी एक चाल एक गुट में चली तो उसके प्रति उत्तर में दूसरा गुट कौन सी चाल चलेगा, इन दोनों को मिलाकर शीत युद्ध कहा जाता है। बच्चों, शीत युद्ध बहुत ही रुचिकर एक समझने वाली चीज है और मुझे लगता है कि इतने सारे विवरण के बाद आपको संक्षेप में ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि शीत युद्ध क्या है। फिर भी एक बार और अच्छे से आपको ये बात समझ में आए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि शीत युद्ध को आप कैसे पहचाने कि ये शीत युद्ध है। दो चार बातें आप अच्छे से इसको याद रखिए कि शीत युद्ध जैसा तनाव पर युद्ध का ना होना। लगेगा आपको जैसा युद्ध का वातावरण है पर युद्ध नहीं होता,
विरोधी पक्षों का जो आचरण होता है वो इतना नियंत्रित रहता है कि उसमें युद्ध को शुरू नहीं करते। अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से युद्ध इसमें चलते रहता है, जिसमें अखबारों के माध्यम से, आलोचनाओं प्रत्यालोचनाओं के माध्यम से दोनों गुट एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। इसमें शस्त्रीकरण, शस्त्र बाजार, शस्त्र जखीरा, शस्त्र भंडार को एकत्रित कर बड़ा करने का प्रयास किया जाता है। ये ऐसा युद्ध है जिसमें मस्तिष्क में लड़ा जाता है और ये मनोवैज्ञानिक युद्ध की स्थिति रहती है। तो इस तरह से ये वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। पर बच्चों ये भी समझने की बात है कि युद्ध ना होते हुए भी युद्ध जैसी परिस्थितियों को बनाए रखना, जिसमें अंदर से शांति ना हो, सुकून ना हो, भय का वातावरण हो, वास्तव में ये बहुत खतरनाक और घातक युद्ध होता है। और इन विभिन्न लक्षणों के माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि ये शीत युद्ध। मुझे लगता है कि शीत युद्ध पर उसके अर्थ को, उसकी प्रकृति को समझने के लिए हमने पर्याप्त बातें की हैं, और आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी कि शीत युद्ध क्या है और उसके क्या लक्षण हैं। जो एक जो उससे रिलेटेड बात थी, जिसको इसी दौरान अगर आप समझ लें, क्योंकि तो इससे जुड़ी हुई बात है, तो हमारी एक बात कंप्लीट हो जाएगी कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध की प्रकृति क्या थी और शीत युद्ध के कारण क्या है। शीत युद्ध के यदि आप कारणों पर जाएंगे तो इसका सबसे पहला जो कारण है, जो अधिकतर बहुत सारे कारणों में रहता ही है, और वो होता है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण का मतलब है कि इतिहास में कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनके कारण वर्तमान परिस्थिति का निर्माण हो गया। पश्चिमी देश सन 1917 में, बहुत सारे बच्चों को शायद पता हो कि सोवियत संघ में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी जिसका नाम था बोल्शेविक क्रांति। ये क्रांति जब 1917 में सोवियत संघ में हुई, तो सोवियत संघ के जो स्थितियां थी उसको पश्चिमी देश ये चाहते थे कि ये स्थितियां समाप्त हो जाए और ये विचारधारा समाप्त हो जाए। उनका मानना था कि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन था और जिसका अंतिम लक्ष्य पूंजीवाद को समाप्त करना। तो पश्चिमी देश ये नहीं चाहेंगे कि पूंजीवाद समाप्त हो, इसलिए वो चाहते थे कि साम्यवाद का प्रसार कम हो। और ब्रिटेन ने सोवियत संघ को इसीलिए 1924 में मान्यता दी थी और अमेरिका ने सन 1933 में। पश्चिमी राष्ट्र हिटलर ने भी सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए, दोनों पश्चिमी देशों ने उसको बहुत प्रेरित किया था कि आप उस पर आक्रमण करिए। इसी का परिणाम था कि अमेरिका के बीच में रहता है, मित्रता का जो भाव रहता है वो समाप्त हो गया था और उसके कारण शीत युद्ध का जन्म हुआ था। द्वितीय मोर्चे का प्रश्न भी इसके अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों, कि शीत युद्ध होने का कारण ही ये था कि शीत युद्ध में जो द्वितीय मोर्चा था, द्वितीय मोर्चे का मतलब है कि जब युद्ध के दौरान हिटलर सोवियत संघ को क्षति पहुंचा रहा था, उसको नुकसान कर रहा था, तो उस समय स्टालिन वहां के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने अमेरिका से बहुत मदद चाही थी और उन्होंने आप कहा कि मदद करिए, लेकिन अमेरिका ने उस समय उनकी बहुत मदद नहीं की और उसके कारण उनको बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। इसके कारण भी वहां पर शीत युद्ध के का वातावरण बना, क्योंकि अमेरिका ने मदद नहीं की और रूस मदद चाहता था। निश्चित है कि यदि हम मुसीबत में हैं और किसी से मदद मांगेंगे वो नहीं देगा, तो उसके प्रति हमारे मन में अविश्वास आएगा। इसके कारण भी शीत युद्ध का जन्म हुआ। तीसरा कारण था बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो मतभेद थे, किस किस के बीच में, दोनों गुटों के बीच में, अमेरिका के बीच में और सोवियत संघ के बीच में, इन दोनों के बीच के जो मतभेद थे वो तेजी से उभर कर सामने आने लगे थे। अमेरिका के साथ साथ पूरा पश्चिमी क्षेत्र जो था वो समस्त पूर्वी यूरोपीय देशों में चाहता था कि लोकतांत्रिक सरकारें बने, लेकिन सोवियत संघ के चलते, साम्यवादी विचारधारा के चलते वहां ऐसा नहीं हुआ और उसके कारण भी दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गए और शीत युद्ध का ये एक कारण है। एक कारण और था बच्चों इसके बीच में, कि माल्टा समझौते का उल्लंघन। पहले तो हम ये समझ ले कि माल्टा समझौता एक छोटा सा समझौता था और इस समझौते के अंतर्गत अमेरिका 1945 में
अमेरिका में से राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और सोवियत संघ के प्रधानमंत्री स्टालिन, इन तीनों के बीच में एक समझौता हुआ, एक सम्मेलन हुआ जिसको हम माल्टा सम्मेलन के नाम से जानते हैं। परंतु इसमें जो बातें कही गई, सोवियत संघ ने शीघ्र ही उन सब समझौतों का उल्लंघन शुरू कर दिया था। पोलैंड में निर्वाचन होना थे निष्पक्ष और वो नहीं हो पाए। युद्ध होने के कारण सोवियत संघ ने अमेरिका, ब्रिटिश पर्यवेक्षकों ने पोलैंड में प्रवेश पर रोक लगा दी। ऐसी जो आपसी मतभेद की बातें हुई उसके कारण भी शीत युद्ध का जन्म हुआ। शक्ति संघर्ष, शक्ति संघर्ष को बच्चों आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर गुट चाहता है कि उसकी शक्ति सर्वोपरि रहे और इसके कारण वो संघर्ष करते रहता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि उसके पास शक्ति का रहना ही उसकी शक्ति को प्रदर्शित होना बताता है। तो अमेरिका चाहने अपने वर्चस्व बढ़ाया, इसके लिए उसने कुछ बहुत सारे संगठन बनाए जैसे नाटो, सेंटो, सीटो। तो सोवियत संघ ने भी एक अपनी शक्ति प्रदर्शन का वर्सायल संगठन बना लिया और इस तरह से जो संगठन और संगठन का प्रतिकार करने के लिए प्रति संगठन का गठन हुआ, उस शक्ति संघर्ष के कारण भी शीत युद्ध का जन्म। एक बात और थी, मार्शल प्लान। मार्शल प्लान था कि 1945 में जो युद्ध समाप्त हुआ था द्वितीय विश्व, 1947 में एक प्लान बनाया गया जिसका नाम मार्शल प्लान। लोग हैं उनको सामाजिक और आर्थिक सहायता दी जाएगी और दी भी जा रही थी, लेकिन उसके देश की स्थिति नहीं ठीक नहीं है और उसको भी वो सहायता उसको नहीं दी गई। और ऐसी स्थिति में जब सहायता नहीं मिली तो उसके कारण भी शीत युद्ध का जन्म हुआ। बच्चों हमने देखा कि शीत युद्ध के 6 कारण, ऐतिहासिक कारण, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मतभेद, माल्टा समझौते का उल्लंघन, शक्ति संघर्ष, मार्शल प्लान। ये बात तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, आप लोग भी अपने उसमें देखते होंगे। बच्चों हमारी जो मित्रता है, जो छोटी मोटी दोस्ती भी है, वो एक दूसरे के सहयोग पर आधारित होती है। और जब ये सहयोग नहीं मिलता है तो मन मुटाव होता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ठीक इसी तरह से होता है। जब दोनों गुटों के बीच में वैमनस्य बढ़ता गया, मतभेद बढ़ते गए, एक दूसरे को सहयोग सही समय पर नहीं मिला, शक्ति का संघर्ष बढ़ता गया, तो इन सब का परिणाम कुछ ना कुछ तो होता। बच्चों आज हमने शीत युद्ध के संबंध में और द्वि ध्रुवीय अर्थव्यवस्था के संबंध में, युद्धविधा का कारण हृदय का क्या था, शीत युद्ध क्या था, उसकी प्रकृति क्या है, उसके लक्षण क्या है और उसके कारण क्या है, इन चीजों पर आज हमने चर्चा की है। और एक क्विज भी अपन ने इसके लिए संबंधित, तो आज अपन ने जो भी समझा है इसके बारे में छोटे छोटे से 2 प्रश्न हैं, गृह कार्य के रूप में इसको आप लीजिए। पहला प्रश्न है कि शीत युद्ध क्या है, परिभाषा सही समझाइए। मुझे लगता है बच्चों के प्रश्न अच्छे से आसानी से बनेगा। और दूसरा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, कि द्विध्रुवीय व्यवस्था का अर्थ एवं स्वरूप लिखिए। द्विध्रुवीय व्यवस्था क्या है उसको समझाना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने जाना कि शीत युद्ध क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और उसके कारण क्या है। ये पूरा विश्वास है कि आपने वास्तव में आपका यह पीरियड है, ये जो सेशन है, बहुत ध्यान से सुना होगा, बहुत ध्यान से अटेंड किया होगा। तो इसे टेस्ट करने के लिए क्यों ना आप एक क्विज कंडक्ट करें, ये बहुत दिलचस्प होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। आपको मालूम है इस चीज के लिए आपको सबसे पहले ब्राउजर पर जाना है, किसी भी ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमेशा करते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, फेसबुक
इंटरनेट एक्सप्लोर एक्सप्लोरर या फिर फायरफॉक्स, और भी कोई वहाँ पर जाएं www.menti.com www.menti.com टाइप करें। आप जो स्क्रीन देखते हैं वहां जो कोड आपको पर दिखाई दे रहा है उसे टाइप करेंगे, यही कोड है। पर आपको एक कोड दिखाई दे रहा है 2796, आप इसे टाइप करें। टाइप करते ही आप हमारे क्विज से जुड़ जाएंगे। अभी तक विद्यार्थी नहीं जुड़ पाया है, कृपया करें। सर्वप्रथम शीत युद्ध कौन से देशों के बीच हुआ और उस युद्ध के होने के क्या कारण? तो भी अपन ने डिटेल में विस्तार पूर्वक पढ़ा है। शीत युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटना है और उसमें अमेरिका और सोवियत संघ, ये दो बड़े राज्य थे जो उस समय की महाशक्ति राज्य थे, उनके बीच में युद्ध बनता था और ये दोनों के मुक्त प्रवर्तक आप मान लीजिए। और दोनों का जो शीत युद्ध का कारण था वो उनकी अपनी विचारधाराएं भी थी, पर अब उन्होंने डिटेल में चर्चा की है कि पूंजीवाद का विचारधारा का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और साम्यवाद का सोवियत संघ। दोनों गुटों में आपसी वैमनस्य था, मतभेद था, दोनों के वर्चस्व को लेकर अलग अलग अभी की स्थितियाँ थी। उसके कारण तो भानु प्रताप शर्मा ने आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। प्रश्न करने के लिए धन्यवाद। मल्टीमीटर क्विज में मैं आग्रह करना चाहूंगा तमाम विद्यार्थियों से जो हमारी ऑनलाइन से दे रहे हैं या इस कक्षा में जुड़े हैं शीघ्रता से शामिल। गूगल क्रोम पर कर लीजिए, उस पर आपको टाइप करना है www.menti.com। ये देखिए, ये आप टाइप कर लीजिए। टाइप करने पर जो विंडो ओपन होगी उसमें आपसे कोड नंबर चाहा जाएगा, वहाँ आप फिलअप करेंगे, टाइप करेंगे 279856। तो कुछ भी बच्चे जुड़े हैं उनकी मदद से प्लीज स्टार्ट करते हैं।
20 का पहला प्रश्न, इतनी शीघ्रता से आप उत्तर देंगे, मार्क्स पढ़ेंगे। दो महाशक्ति के बीच बढ़ती प्रतिद्वंदिता ने जन्म दिया, महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंदिता ने जन्म दिया। समय हो रहा है और समय हो रहा है समाप्त। चार बच्चों ने सही उत्तर दिया है। ये होता है शीत युद्ध के कारण। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीन पर प्रश्न है, समकालीन विश्व राजनीति का आरंभ माना जाता है किसे? नीचे चार विकल्प हैं, सही विकल्प चुनिए, शीघ्रता से उत्तर दीजिए। 5 सेकंड बचे हैं, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चार विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया के लिए हम बधाई देते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। क्यूबा का मिसाइल संकट किस सन में हुआ? ये प्रश्न पर नहीं हो पाया था, मैम का कहना है इसे फिर भी हमारे बच्चों ने सही आंसर दिया। बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई आपकी अपनी स्टडी के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध चला कब से कब? पांच सेकंड बचे हैं, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और समय समाप्त। केवल एक बच्चे ने, एक विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया है, उसके लिए तालियां। संघ इस विचारधारा का समर्थक था। समय समाप्त हो रहा है और समय समाप्त। 5 विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया और हम देखेंगे कि आज का रिजल्ट क्या है, हमारे इस क्विज का परिणाम आप देख पाएंगे कुछ ही सेकंड। युधिष्ठिर आप विनर हैं इस क्विज के, आपके लिए हमारी तालियां, हमारी ओर से बधाई। इसी तरह हमारी ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ते रहिए, अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए, इससे इन कक्षाओं को और बेहतर बनाने की हमें प्रेरणा मिलेगी, हमारा मनोबल भी बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।